डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग को क्लास टू का जो हम लोग ने चैप्टर फोर पढ़ा था प्रकाश द पिकॉक, वो हमने अपना कोर्स बुक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस बुक। और प्रैक्टिस बुक यू ऑल नो कि हम लोग क्यों कराते हैं। प्रैक्टिस बुक इट्स फॉर यू टू प्रैक्टिस एट होम विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेंगे प्रैक्टिस बुक, और ताकि आप लोग जो घर में है वो आप लोग इसको अच्छे से कर लें बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर फोर है प्रैक्टिस बुक। अब देखिए क्या है चैप्टर फोर में लिखा है। यहाँ पे माय टर्न फर्स्ट, हम लोग माय टर्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है रीड दिस पैसेज अंडरलाइन द वर्ड्स विद ई आर लेटर्स इन रेड, द वर्ड्स विद आई आर लेटर्स इन ब्लू एंड द वर्ड्स यू आर लेटर्स इन ग्रीन। ठीक है, जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे, यहाँ पे सबने अपनी बुक ओपन कर ली होगी और पेज नंबर 25 पे आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ। इसमें लिखा है कि जो भी वर्ड्स ई आर से, ठीक है, ई आर से जिस वर्ड में भी ई आर आ रहा है उसको आपको किससे करना है, रेड से, और जो भी वर्ड हमारे आई आर वाले हैं उनको आपको ब्लू से करना है, और जो भी वर्ड्स हमारे यू आर वाले हैं उनको आपको किससे करना है, ग्रीन से अंडरलाइन करना है। ठीक है, यू हैव टू यूज द कलर्स एंड ई आर वाले वर्ड्स को आपको रेड से कलर करना है, अंडरलाइन करना है, आई आर वाले वर्ड्स को आपको ब्लू से करना है, और यू आर वाले वर्ड्स को आपको ग्रीन से करना है। आप देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स है पैराग्राफ में, जैसे टर्न। ठीक है, तो टर्न में ये क्या देख रहे हैं, यू आर है और यू वाले वर्ड को आपको किससे करना है, ग्रीन से। ठीक है, फिर टीचर, आप देखिए टीचर में आई आर है, ई आर वाले वर्ड को किससे अंडरलाइन करना, रेड से। ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट में आई आर है और आई आर को आपको किससे करना है, ब्लू से करना है। ठीक है, सो आप वर्ड को देखिए और कहां पे कौन सा वो लेटर यूज हुआ है आपको उसको देख कर ही कलर करना है। ठीक है, जैसे वंडर, इसमें ई आर है, ई आर को आपको किससे करना है, रेड से करना है। ठीक है, फिर ट्वर्ल है, आई आर आया, आई आर को आपको ब्लू से करना है। ठीक है, फिर टर्न है, अदर है, बस्टिंग है, ठीक है, बी यू आर एस टी आई एन जी, बस्टिंग। ठीक है, इसमें भी यू आर है, यू आर को आपको ग्रीन से करना है। सो ऐसे आपको वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उसको कलर करना है, इसे पढ़ने लगे। ठीक है, फिर आते हैं माय टर्न टू पे। माई टर्न टू पे आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, मैं आपको दो करके बताऊंगी और आपको फिर खुद से ही करना है। प्रैक्टिस बुक इट्स ऑल अबाउट यू, और ये आपको करनी है, इट्स ओनली फॉर यू। ठीक है, आपको खुद से करना है, तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, मैथड बताऊंगी और ये आपको करना खुद से। जैसे यहाँ लिखा है कि मेक अ सेंटेंस विद ईच ऑफ दीज वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू। क्या है, कुछ वर्ड्स दिए हैं और इसको आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, पहला बना हुआ है, दूसरा देखिए हर्ट। ठीक है, ये लिखा है हर्ट, क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आई हर्ट माई फुट। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके आप बहुत और भी दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे। ठीक है, फिर आप देखते हैं दूसरा वर्ड फर्दर, आप और भी दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ आप वो बनाइए। आप अपने दिमाग से भी अगर कोई भी और वर्ड इन कोई और भी सेंटेंस इन वर्ड से बनता है तो यू कैन। ठीक है, फर्दर। ठीक है, सो लेट अस गो फर्दर डाउन द रोड। ठीक है, या फिर आई गो फर्दर फॉर आई गो फॉर स्टडी फॉर माई फर्दर स्टडीज। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंस आप उसे बना सकते हैं। आफ्टर, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने कोर्स बुक में भी सेंटेंस बनाया था। ठीक है, द लेडी रन आफ्टर द मैन। ठीक है, जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगता है वो बना लीजिए। ठीक है, टीचर। ठीक है, टीचर भी बन सकता है, माई टीचर
सिंसियर, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के सेंटेंस आपको खुद से बनाने हैं, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक है। बट ट्राई करिएगा कि आप सेंटेंसेस को खुद से ही बनाएं। बेटा प्रैक्टिस बुक इज फॉर यू, ठीक है, टू प्रैक्टिस एट होम, और आप खुद से कोशिश करेंगे तभी आप लोग सीख पाएंगे। फिर आते हैं माइंड ऑफ थ्री पे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है, कैन यू फाइंड दीज वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो सर्कल देम। ये जो ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपको यहाँ पजल में ढूंढने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ढूंढे हैं, बिकॉज, ठीक है, बिफोर, आंसर, टुगेदर। सो आपको वर्ड्स को देखने हैं और ये जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं इनको आपको इस पजल में ढूंढना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं हम लोग यहाँ माय टर्न फाइव पे। यहाँ पे लिखा है कि लुक एट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच गिवन बिलो एंड टेक राइट दोज लाइंस विच आर कंप्लीट सेंटेंसेस क्रॉस आउट ऑफ वन दैट आर नॉट वन हैज बीन डन फॉर यू। आप देखिए यहाँ पे लिखा है देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल, पूरा सेंटेंस है कि ग्लास जो क्या टेबल पे है तो करेक्ट, ठीक है। फिर द फॉक्स जंप्ड ओवर द वॉल, फुल सेंटेंस है कि वो फॉक्स क्या है दीवार के ऊपर से कूदा, फिर ये भी सही है, ठीक है, क्रॉस करना मतलब ओवर द वॉल मतलब। फिर डी लिखा है द फॉक्स एंड द वॉल इज, अब ये क्या सेंटेंस कंप्लीट है, द फॉक्स एंड द वॉल इज, क्या सेंटेंस कंप्लीट नहीं, कोई सेंस नहीं निकल रहा, सेंस जब सेंस नहीं निकलेगा तो सेंटेंस होगा नहीं, तो रॉन्ग। द जंगल हैज मैनी ट्रीज, सही है, पूरा सेंटेंस है। द लॉयन इज वेरी एंग्री, सही, पूरा सेंटेंस है। फिर माई कार, माई ब्यूटिफुल कार इज, नो, ऑड वन, कोई सेंस नहीं निकल रहा इसका, ठीक है, तो गलत। फिर द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, सही, पूरा सेंस। रीमा इज अ प्रिटी गर्ल, सही। और लास्ट जे, द ग्रे माइस आर रॉन्ग, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। सो ऐसे ये वर्ड, ये सेंटेंस में ही है, आप जब देखोगे कि सेंटेंस बन रहे हैं उसका कोई सेंस निकल रहा है तो वो तो सही होगा, और जिनका सेंस नहीं निकल रहा कोई उसका मतलब ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह माय टर्न सिक्स है, माय टर्न सिक्स में देखिए क्या है, माय टर्न सिक्स में भी क्या करना है, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप सेंटेंस कैसे कंप्लीट करते हैं वो हम देखेंगे अभी, माय टर्न सिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मेक कंप्लीट सेंटेंस ऑफ योर ओन बाय टेलिंग व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। आपको ये एक करके दिखाया गया है, अब आपको बताना है कि हम कैसे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। द प्लेन वेंट, ठीक है, वेंट मतलब गया, कहाँ गया, अप इनटू द स्काई, ठीक है, कहाँ गया, आसमान में ऊपर, ठीक है। फिर आपको इसको बनाना है बेटा, ठीक है, पीपल लाइक टू स्लीप अर्ली, ठीक है, वो जल्दी सोना पसंद करते हैं लोग। डी द मैन स्टार्टेड क्राइम, उसने रोना शुरू कर दिया, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, आपको इसको कंप्लीट करना है और हमें ग्रुप में इसका पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। अब देखिए माय टर्न सेवन और माय टर्न एट, ये आपके लिए होमवर्क है और आपको इसको करना है। देखिए क्या है, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, व्हाट डू यू लाइक टू डू, राइट योर आंसर इन थ्री और फोर सेंटेंसेस। क्या करना है आपको, फील करना, जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर बारिश होती है तो आपको कैसे लगता है, और आपका क्या क्या करने का मन करता है उस टाइम पे जब बारिश होती है। जैसे मेरा मन करता है कि मैं, बारिश होती है तो मैं नहाऊं, घर में गर्म गर्म पकौड़े बने विद टी, ठीक है। तो ये सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं कि आप, इसमें लिखा है ना कि हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो आपको कैसा लगता है, ठीक है, एंड व्हाट डू यू लाइक टू डू, और आप उस टाइम में क्या करना पसंद करेंगे। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद है और आप क्या करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आपको तीन चार लाइनें सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। और माय टर्न एट है लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर बनी है इससे आपको डिफाइन करना है कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है, और यहाँ पे आपको फाइव
सेंटेंस लिख ले, जैसे द डांस टीचर टीचर्स देम डांसिंग, क्या कर रही है, डांस सिखा रही है। सो और क्या क्या हो रहा है, बच्चे डांस सीख रहे हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी आपको इस पिक्चर से समझ में आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये दोनों आपके होमवर्क है, इसको आप जरूर करिएगा, और ये तो बिल्कुल करिएगा क्योंकि माई टर्न सेवन जो है वो आपके लिए कि आपको रेन में कैसा फील होता है, ठीक है, और आप क्या क्या करना पसंद करते हैं। अब आते हैं सेल्फ चेक, वॉजी आर, जो भी हम लोगों ने बताया था, आर वाले सेंटेंसेस जिसमें आपको कलर करना था, वर्ड्स वर्ड्स आर एवरीवेयर एंड मेकिंग सेंटेंसेस। अगर आपको समझ में आए बेटा सो यू हैव टू टिक आई अंडरस्टैंड, नहीं आए हैं सो आई डू नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। वर्ड्स मेकिंग जो मैं अभी बता रही हूँ, सेंटेंस मेकिंग, मेकिंग सेंटेंस, तो ये आपको मैंने कोर्स बुक में भी समझाया, प्रैक्टिस बुक में भी। सो अगर आया है तो आप आई अंडरस्टैंड पे, नहीं आया है तो आई डू नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है